आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 5 समांतर श्रेणी में योगफल से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न हल करेंगे। तो उनमें हमको पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, तो योगफल ज्ञात करना है कि एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 दिया हुआ है। तो हमको दूसरे और तीसरे पद से पहला पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है और पदों की संख्या हमको दी है 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे यह ध्यान देना। तो इसका जो हल आएगा वह यह आ जाएगा, एपी का दूसरा पद बराबर 14, दूसरा पद का मतलब हुआ ए प्लस डी बराबर 14 समीकरण नंबर 1। फिर एपी का तीसरा पद, तीसरा जो पद है वो दिया हुआ 18, ए प्लस 2d बराबर 18 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा a और d का मान, यानी 2d बराबर 18 समीकरण नंबर 1 और ये 2, माइनस माइनस और माइनस, क्योंकि सभी चिन्ह प्लस के हैं। तो ये क्रिया आ जाएगी घटाने पर, यानी विलोपन विधि से, ए से ए कटा, माइनस डी बराबर माइनस 4, अर्थात डी बराबर 4 प्राप्त हुआ। डी बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लिखा ए प्लस डी यानी 4 बराबर 14, ए बराबर 14 माइनस 4, ए बराबर हमारे पास 10 आया। अब पदों की संख्या जो n बराबर दी हुई है 51, हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर 51, a बराबर 10 प्राप्त हुआ, d बराबर 4 आया। तो यहाँ लिखेंगे ap के n पदों का योग Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। एस 51 बराबर 51 बटे 2 और ये 2 गुणा a यानी 10 प्लस 51 माइनस 1 और गुणा यहाँ d का मान 4 है, 4 लिखा। 51 बटे 2 और ये 20 प्लस 50 गुणा 4, 51 बटे 2 गुणा यह जाएगा 20 प्लस 200, अर्थात 51 बटे 2 गुणा 220 ये कट जाएगा 110। 51 गुणा 110 बराबर जो आता है गुणनफल के रूप में 51 का हमने गुणा किया 110 से, तो यह आ जाएगा 5610, अर्थात 5610। अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, चार पुरस्कार है जिनकी कुल राशि दी हुई है अर्थात योगफल दिया हुआ 280 रुपये, और उनमें पुरस्कारों की राशि को वितरित करना है। लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखी है कि प्रथम पुरस्कार बाद आने वाले पुरस्कार से यानी 20 रुपये वो ज़्यादा है, या ऐसा कह सकते हैं कि पहले पुरस्कार से दूसरा जो पुरस्कार होगा वो 20 रुपये कम है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में, माना पहला पुरस्कार ए बराबर, यानी बराबर आ जाएगा ए, पुरस्कारों का सार्व अंतर डी बराबर माइनस 20। क्यों? क्योंकि पहले पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम है अर्थात ऋणात्मक है। आगे आ जाएगा पुरस्कारों
की संख्या कुल कितने पुरस्कार हैं, एन बराबर चार पुरस्कारों की कुल राशि जिसको अपन योग कहते हैं अर्थात एस एन बराबर 280 रुपये। एस एन का अर्थ हुआ यानी एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी बराबर 280। एन यानी चार पुरस्कार है तो चार बटे दो, दो ए प्लस चार माइनस एक गुणा माइनस 20 बराबर 280। चार बटे दो यानी दो किया जाएगा, दो ए प्लस तीन और माइनस 20 बराबर 280। दो दो ए माइनस 60 बराबर 280। दो ए माइनस 60 बराबर 280 बटे दो, यहाँ दो गुणे में है भाग में चला जाएगा, माइनस 60 बराबर 140 बराबर 140 प्लस 60, दो ए बराबर 200, ए बराबर 200 बटे दो, ए बराबर 100 रुपये, अर्थात पहला जो पुरस्कार है वो 100 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरस्कार बराबर 100 रुपये, दूसरा पुरस्कार बराबर 100 माइनस 20 क्योंकि डी का मान 20 है तो यह आ जाएगा 80 रुपये, फिर तीसरा पुरस्कार बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 रुपये, चौथा जो अंतिम पुरस्कार है पुरस्कार बराबर 60 माइनस 20 यानी 40 रुपये। ये सभी पुरस्कारों की राशि हमने प्राप्त कर ली, ज्ञात कर ली। इससे आगे का जो क्वेश्चन है, यदि 18, A, B माइनस 3 ये समांतर श्रेणी में है तो अपने को ज्ञात करना है। अपने को दिया यदि 18, A, B और माइनस 3, बी और माइनस 3 ए पी में है तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है कि ये जो दिया गया है हल 18, A, B, -3 ए पी में है तो इनका सार्व अंतर समान होगा अर्थात D1 बराबर D2 रहेगा। D1 का अर्थ होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2 पहला सार्वंतर, दूसरा सार्वंतर निकालना, अर्थात यहाँ दूसरा पद है A -18 - -3 और A2 अपने पास दिया हुआ है, यहाँ पर A4 - A3 निकालना क्योंकि सार्वंतर सबका बराबर, पहले और दूसरे के बीच निकालना, चौथे और दूसरे के तीसरे के बीच निकालना। ए प्लस बी बराबर माइनस 3 प्लस 18, ए प्लस बी बराबर 15, हमारे पास सीधा ए प्लस बी का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आगे का जो प्रश्न दिया हुआ है कि यह समांतर श्रेणी में है कि यानी क्वेश्चन है चार नंबर, यदि ए पी के तीन पद 4/5, A, 2 है तो ए का मान ज्ञात करना।
अब इनमें भी ए का मान निकालना है, तो हम ए का मान कैसे निकालेंगे यह ध्यान देना। हल आ जाएगा 4/5 कॉमा ए कॉमा 2 एपी में है। तो अब यदि ये एपी में है तो हम इसका मान निकालने के लिए ये करेंगे, तो इनका सार्व अंतर समान होगा, तो इनका सार्व अंतर समान होगा अर्थात d1 = d2। यह आ जाएगा a2 - a1 = a3 - a2। a - 4/5 = 2 - a। यह आ जाएगा a + a = 2 + 4/5। 2a = 5 + 5 × 10 + 4। 2a = 14/5। a = 14/5 × 2, 2 से ये कटेगा तो a = 7/5 हमारे पास प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आगे का जो प्रश्न है उसको हम किस प्रकार करेंगे, तो उसको ध्यान देना। यदि अपने पास है पांचवा प्रश्न में एपी का प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 1 व 11 हैं, तो इनका यानी इनके कितने पदों का योग 36 होगा। अपने को पदों की संख्या निकालनी है, तो हल एपी का प्रथम पद a = 1, एपी का अंतिम पद an = 11 अर्थात a + n - 1 × d = 11। हमारे पास a दिया हुआ 1 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 11, एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 11 माइनस 1, एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 10। इसको समीकरण नंबर 1 लगा दिया। अब हमको कितने पदों का योगफल 36 है, तो एपी के एन पदों का योग बराबर 36 अर्थात ये SN = 36। SN का मतलब हुआ n/2, 2a + n - 1 × d = 36। तो आगे आ जाएगा n का मान हमको निकालना है, तो n/2 ये आ जाएगा 2 × 1 + n - 1 × d, समीकरण 1 में इसका मान दिया हुआ 10 = 36। अभी आ जाएगा n/2 और ये 2 और 10 जोड़ेंगे तो 12 = 36। 12 2 से कटेगा 6 बार, 6n = 36, n = 36/6, n = 6 अर्थात एपी के 6 पदों का योग 36 है। इति अपने समांतर श्रेणी अर्थात एपी हमने विभिन्न प्रकार के पूछे गए पद निकालते हुए इनका योगफल भी हमने ज्ञात किया। आज के लिए ये अपना इतना ही वीडियो और अध्याय भी पूर्ण हुआ।